समेत शिखर सिद्धक क्षेत्र की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रामाणिक संत मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, अपने दोनों हाथों को जोड़िए और मेरे साथ जन जन के मन मन के श्रद्धेय परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए हम सब आज की शंका समाधान को शुरू करते हैं। बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और आज के प्रथम प्रश्न को पूछने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अशोक जी पाटनी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुधा जी दिलीप जी बढ़ जात्या धुलियान। पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसार के समस्त प्राणियों की तरफ से मैं पाटनी और साथियों के साथ आपका प्रणाम नमस्कार नमस्कार। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि श्रम की गलतियां करके सीखने या अनुकूल अनुभव लेने के लिए यह जिंदगी भी कम पड़ जाती है और दूसरों के अनुभव और गलतियों से सीखकर जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है या प्रगति की जा सकती है और शायद यही बुद्धिमानी भी है। शायद कर्मठ व्यक्तियों को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ही जाकर कोई विश्वविद्यालय ऑनरी डिग्री देता है और अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। तो आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा सीधे खड़े हो जाइए और अच्छे से बोलिए, घबराइए नहीं, बोलिए फिर से बोलिए दोबारा बोलिए। अच्छा, ओम ओम ओम। स्वयं की गलतियां करके सीखने या अनुभव लेने के लिए यह जिंदगी भी कम पड़ जाती है और दूसरों के अनुभव और गलतियों से सीखकर जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है या जल्दी प्रगति की जा सकती है और शायद यही बुद्धिमानी भी कहते हैं। शायद कर्मठ व्यक्तियों को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ही जाकर कोई विश्वविद्यालय उनको ऑनरी डिग्री प्रदान करता है। क्या लास्ट का वाक्य बोलिए? कोई विश्वविद्यालय उनको ऑनरी डिग्री प्रदान करता है। ऑनरी, थोड़ा आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ी। विश्वविद्यालय उनको डिग्री प्रदान करता है बिना पढ़े हुए। आपका भाव समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप पर्ची मुझे दे दीजिए, आ जाइए, उन्हीं की पर्ची है, इतना लंबा। स्वयं की गलतियां करके सीखने या अनुभव लेने के लिए यह जिंदगी भी कम पड़ जाती है और दूसरों के अनुभव और गलतियों से सीखकर जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है या प्रगति की जा सकती है और शायद यही बुद्धिमानी है। शायद कर्मठ व्यक्तियों को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ही जाकर कोई विश्वविद्यालय उनको अनोखी डिग्री प्रदान करता है और स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। ये सब बोलने का मतलब क्या, आप कहना क्या चाह रहे थे? पूरा लेख है, सार में अपना सवाल कीजिए। आपके सवाल का सार ये है जो मैं समझ रहा हूँ, प्रश्नों को छांटते समय ध्यान रखा करो, तीन तीन मिनट खराब होते हैं इसे। प्रश्न का सार कुल ये है कि हम अपनी गलतियों से अच्छा सीख सकते हैं या दूसरों की गलतियों से अनुभव पाकर। देखिए, स्वयं की गलतियों का एहसास हमें बहुत कठिनाई से होता है, दूसरों की गलतियों का आभास हमें तुरंत हो जाता है। अगर व्यक्ति के पास सीखने की दृष्टि हो तो किसी से भी सीख सकता है। हम अपने अनुभवों से तभी सीखेंगे जब हम बार बार गलतियां करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से सीखता है उसके जीवन में गलतियां कम होती हैं और जो गलतियां कम करता है वही अपनी प्रगति कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा औरों के अनुभवों से भी सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, श्री सुधा जी दिलीप जी बढ़ जाते हैं धुलियान और उसके बाद तैयार रहेंगे। ओम, माइक पहुंचाइए। नमोस्तु गुरुदेव। मैं एक 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 ही दो नहीं, चलिए नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गलत खर्चे जिंदगी की शैली खराब करते हैं और गलत चर्चा संबंधों को खराब करती है। पैसा का विचार हर स्थान पर आता है तो परमात्मा का विचार हर स्थान पर क्यों नहीं आता? जबकि हम ये समझते हैं कि गलत खर्चा चर्चा या हर जगह पैसों को महत्व देना उचित नहीं है।
इसका समाधान कीजिए गुरु। एक ही बात है, खर्चा और चर्चा की जगह अर्चा के महत्व को समझ ले तो ये प्रश्न की चर्चा ही नहीं हो। समझ गए, तो हमें किसकी अर्चा करनी है ये हमें समझने की जरूरत है। श्री महावीर प्रसाद जी जैन भोगल दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी जैन अशोक नगर। महाराज श्री के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आपसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ और आज मेरी 57वीं वंदना है। मैं वंदना करने जो आया हूँ 57वीं वंदना है, 56 मैं कर चुका। और महाराज श्री, मैं अपने जैन मंदिर में स्वधर्म इंद्र भी बना और आचार्य सदलगा से महाराज श्री के मैं जो है वो माता पिता भी बने। तो मेरी अब ढलती उम्र है, पिछले साल मेरी पत्नी का भी वियोग हो चुका। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो है अब ढलती उम्र कब सूरज छिप जाए, मैं समाधि मरण की तरफ अपना ध्येय बनाना चाह रहा हूँ। तो महाराज श्री, समाधि मरण में कैसे क्या होता है और मैं जो है उसको होने के बाद आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है, इसके बारे में देखिए। समाधि मरण के संबंध में आप लोग ठीक से सुन पा रहे हैं ना, आवाज स्पष्ट है? समाधि मरण के संबंध में मैं केवल इतनी बात कहूंगा, जिन्हें भी समाधि मरण की भावना है वे सबसे पहले अपने गार्हस्थिक और व्यापारिक दायित्वों से अपने आप को मुक्त करें। यदि वो सब चीजें साथ साथ जुड़ी रहेगी तो समाधि बहुत कठिन हो। अब जब गार्हस्थिक और व्यापारिक दायित्वों से आप मुक्त होंगे तो आपको पारमार्थिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। हमारा धर्म ध्यान में विशेष चित्त लगना चाहिए, खान पान पर क्रमशः संयम बढ़ना चाहिए और खान पान के संयम के साथ साथ अपने भावों की निर्मलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। हम अपनी शुद्धि और विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो। श्री प्रदीप जी जैन अशोकनगर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुधीर जी राजुल जी जैन गुवाहाटी पांडू। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमारे कुछ जैनेतर दोस्तों को मित्रों को हम उनकी प्रश्न का सही समाधान नहीं दे पाते हैं कि हमारे धर्म के हिसाब से, महाराज जी हाँ सुन रहे हैं, हमारे धर्म के हिसाब से आत्मघात करना हिंसा है, आत्मघात करना हिंसा है। तो महाराज जी वो बोलते हैं कि आपके गुरु जी, आप लोग सब जो उपवास वगैरह करते हैं, अपने शरीर को इतना तप साधना करते हैं, तो वो भी तो एक तरह की हिंसा है, तो इस हिंसा में और उस हिंसा में महाराज जी क्या फर्क है? देखिए, आत्मघात और उपवास, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। घात पीड़ा देने के लिए किया जाता है जी महाराज जी, और उपवास पीड़ा सहने के लिए किया जाता है। किसी को पीड़ा देना पाप है और पीड़ा होने पर समता से सह लेना तप है। समझ गए जी महाराज जी, दोनों में बुनियादी अंतर है। जहाँ तक उपवास को आत्मघात की बात कहना कतई उचित नहीं है, बल्कि आज के वैज्ञानिक युग में तो उपवास हमारे लिए एक बहुत अच्छा साधन है चिकित्सा का। अभी आज से कुछ वर्ष पूर्व जापान के एक वैज्ञानिक ने शोध किया और उसने एक सिद्धांत विकसित किया ऑटोफेजी, और ऑटोफेजी नाम का जो सिद्धांत है उसके अनुसार व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए। और उस उपवास के फलस्वरूप उन्होंने बताया कि ऐसे नियमित उपवास करने वाले के लिए कैंसर जैसी बीमारी से निजात मिलती। जब आप उपवास करते हैं तो शरीर कमजोर नहीं होता, आप इस शरीर के सारे टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं, वो आपके लिए विशेष स्वास्थ्य में लाभप्रद है। और उस वैज्ञानिक को नोबल प्राइज मिला उसकी शोध पर। इसके साथ इंटरमीडिएट मील, एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 6 से 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आज वैज्ञानिकों के मध्य
ये सब बातें बहुत चर्चा का विषय है। इसलिए हमारा उपवास आत्मघात नहीं, वैज्ञानिक तप साधना है जो हमारी आत्मा की विशुद्धि का निमित्त है, उन्हें ये बातें समझाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डॉक्टर सुधीर जी, राजुल जी जैन, गुवाहाटी पांडु आसाम। उसके बाद तैयार रहेंगे शिल्पी भारत। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन यह है कि हम बच्चों में धर्म की प्रभावना को कैसे बढ़ाएं, अपने धर्म को हम कैसे इतना सहज और सहल बनाएं कि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। देखिए, बच्चों को अगर आप धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो उनको कुछ मत करो, उनको केवल कहो कि सप्ताह में एक दिन महाराज का प्रवचन सुनना शुरू कर दो और कुछ मत करो। उनको कोई नियम के लिए मत बोलिए, उनको कोई व्रत के लिए मत बोलिए, उनको बोलिए कि बस तुम महाराज को सुनना शुरू करो, तुम खुद मोटिवेट होगे और अपने आप लग जाओगे। हम लोगों के साथ एक कमी है। कमी क्या है कि हम बच्चों को धर्म सिखाते नहीं हैं, थोपते हैं। और प्रायः धर्म के संदर्भ में हमारी जितनी बातें होती हैं वो रिचुअल की होती है। रात में नहीं खाना, मंदिर जाना, माला फेरना, आहार देना, जाप करना, पाठ करना, अच्छी बातें। लेकिन इन सब चीज़ों को हम क्यों करते हैं? जब हम ये बातें लोगों को समझाने लगे तो हमारे जीवन के व्यापक बदलाव का कारण बन सकता है। तो हम ठीक तरीके से वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से बच्चों को जिस दिन ये समझाने में सफल हो जाएंगे कि धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, वो हमारे जीवन के आंतरिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसी दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। शिल्पी भारत, अशोकनगर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुशील जी, शशि जी छबड़ा, कोडरमा, झुमरी तलैया, जो ट्रस्टी होने का गौरव प्राप्त करते हैं गुणायतन के, और उनके साथ रहेंगे श्रीमान किशोर जी पांड्या। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मेरी माँ स्वयं खूब व्रत उपास करती हैं, पर जब मैं व्रत करती हूँ, उपास करती हूँ, नियम लेती हूँ, तो वो मुझे रोकती टोकती हैं, कहती हैं कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी उम्र नहीं है, तुमने आजीवन व्रत क्यों ले लिया। ये वो तब नहीं रोकती टोकती थी जब मैं बाजार का भक्ष अभक्ष कुछ भी खाती थी। तो ऐसी अवस्था में मैं क्या करूँ महाराज जी? मुझे इसी को माँ बोलते हैं। जिसको अपनी संतान से मोह होता वो माँ कहलाती। पर माँ शायद आपकी खड़ी है पास में कि नहीं? नहीं महाराज जी, यहाँ नहीं है, घर पर सुनेगी। मैं उनसे कहता हूँ, व्यक्ति अगर वयस्क हो जाए तो उसको उसके जीवन जीने के लिए आज़ादी देनी चाहिए। और धर्म के कार्य में तो हमें विशेष उन्हें उनकी समझ पर होना चाहिए। तुम जैसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि व्रत उपवास करो, पर उसमें खींचातानी मत करना, शक्ति के अनुसार करो। शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। श्रीमान सुशील जी, शशि जी छाबड़ा, कोडरमा, झुमरी तलैया, ट्रस्टी गुणायतन, किशोर जी पांड्या साथ में है। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा आशीष जी जैन देहरादून, जो शिरोमणि संरक्षण होने का, शिरोमणि संरक्षण होने होने का भी गौरव प्राप्त करते हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के अपने स्थान को आरक्षित करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे धर्म में त्याग और संयम की प्रधानता है, लेकिन आजकल के इस भौतिक युग में हम इतने रम गए हैं, सुख सुविधाओं में इतने रम गए हैं कि हम त्याग और संयम की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। महाराज श्री, हम लोग ऐसा क्या करें जो हमें इस धर्म की ओर हमारा मार्ग अग्रसर हो? जिस दिन आप समझ जाओगे कि मेरी संस्कृति क्या है और सांस्कृतिक निष्ठा अगर प्रकट हो जाएगी तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भौतिक युग में भी आज भी लोग त्याग और तपस्या के क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। युग त्याग तपस्या में बाधक नहीं है, हमारी निष्ठा की दुर्बलता हमें त्याग तपस्या में बाधक बनती है। जिनके ऊपर भौतिकता का प्रभाव बढ़ जाता है उनकी सांस्कृतिक निष्ठा कमजोर होती है, और सांस्कृतिक निष्ठा के कमजोर हो जाने पर त्याग तप की भावना की जगह भोग विलास की ओर प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर आध्यात्मिक चेतना का विकास करें और त्याग तप की ओर बढ़ें।
आज पूरे विश्व में भौतिकता का विकास है, भौतिक समृद्धि बहुत तेज गति से हो रही, लेकिन इसके बावजूद त्याग तप के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं साधु संतों की बात नहीं करता, अनेक गृहस्थ जो अमेरिका जैसे देशों में रह रहे हैं वे भी त्याग तप के क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका रख रहे हैं। भारत में भी जिसमें बहुत युवा है वे भी ऐसा कर रहे हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्य को सुनिश्चित करें और अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें तो हमारे लिए कुछ भी बाधा नहीं होती। हाँ, शिरोमणि संरक्षक श्रीमान, एक मिनट, हाँ बोलो। उनकी माता गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सुलोचना जैन झुमरी दरिया पांड्या झारखंड से आई हूँ, आपको नमोस्तु नमोस्तु जी। और मैं, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान जरूरत होती है, एक समान जरूरत होती है। अगर श्वास खत्म हो तो जिंदगी खत्म, और विश्वास खत्म हो तो संबंध खत्म। तो गुरुवर हमारा श्वास, श्वास और विश्वास खत्म हो उसके पहले हम ऐसा क्या करें जिसमें हम चलते, हम जिसके चलते हम लोगों के दिलों में बसे रहें, गुरुवर मार्ग दिखाएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, भाव बहुत अच्छा है। श्वास और विश्वास दोनों का बड़ा महत्व है। श्वास खत्म हो जाए तो जीवन खत्म, और विश्वास खत्म हो जाए तो संबंध खत्म। हम श्वास और विश्वास को कैसे संभालें कि हम इनको सार्थक कर सकें और अंतिम क्षण तक लोगों के दिलों में बस सकें। मैं केवल इतना ही कहता हूँ, जैसे आप अपने श्वास के प्रति सजग रहते हैं वैसे ही विश्वास के प्रति सजग हो जाएं तो कभी विश्वास खंडित नहीं होगा। और अपनी हर श्वास को एक पल की श्वास माने और आगे की आस न रखें तो न हमारा विश्वास खत्म होगा न संबंध खत्म होगा, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। श्रीमान आशीष जी देहरादून शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रूपचंद जी सुलोचना देवी जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज हमारा प्रश्न, ये मेरी पत्नी का प्रश्न है, वो ये जानना को दो ना। हाँ महाराज जी, हम 3 दिन से यहाँ पर हैं, आपको देख रहे हैं, इतनी एनर्जी के साथ आप बिल्कुल भी नहीं थकते, और हम थोड़ा थोड़ा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो कैसे हम 10% भी ऐसी एनर्जी लेकर इसका रहस्य बता दूं जी। थोड़ा काम करती हो इसलिए थक जाती हो, ज्यादा करने लगोगी तो अपने आप एनर्जाइज हो जाए। आदत बदलिए, काम करने की आदत डालिए और एक सूत्र बना लीजिए, व्यस्त रहो मस्त रहो हर पल। हम जब काम कम करते हैं तो लेजीनेस आता है, उससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी कम हो रही है। वो एनर्जी को ठीक करने के लिए हमें काम को बढ़ाना चाहिए, अभ्यास बनाना चाहिए, और हमेशा अपने सामने अपना लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। जो अपने लक्ष्य को अपने साथ लेकर चलते हो कभी विफल नहीं। सुयशी जैन धवल और उनके सभी साथी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आयुष जी, आस्था जी, नमन जी, पल्लवी जैन, सिवनी, प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद नमोस्तु गुरुवर, हम जावर से सकल दिगंबर जैन समाज जावर की तरफ से नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी मेरा प्रश्न है, अधिक दुख की घड़ी में हम घबरा जाते हैं, चाहते हुए भी मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते। अधिक दुख की घड़ी में हम घबरा जाते हैं, चाहते हुए भी मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते, एवं खुशी के अवसर पर हमारी धर्म क्रियाएं छूटने लगती है। ऐसा क्या करें गुरुवर कि हर समय हम धर्म मार्ग पर धर्म क्रियाओं में बने रहे, गुरुवर शंका का समाधान करें गुरुवर। देखिए, धर्म की क्रियाओं में हमेशा लगे रहने के लिए हमें 2 बातों की जरूरत है, एक तो संकल्प और दूसरी श्रद्धा। अपने मन की श्रद्धा को प्रबल बनाएं और संकल्प को मजबूत बनाएं। ये चीज समझ के चलें कि यदि हम धर्म को अपना करके चलेंगे तो हर स्थिति में संभले रहेंगे, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और धर्म की क्रियाएं मेरी जो है वो मुझे करना है तो करना ही है, तो चाहे जैसी स्थिति हो जाए सब ठीक हो जाए। नमोस्तु गुरुवर। आयुष जी, आस्था जी, नमन, पल्लवी जैन, सिवनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी जैन कटनी। दोनों मुनि श्री के चरणों में सकल सिवनी जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों के पिताजी समाज के वरिष्ठ पदों पर हैं
और निरंतर समाज की बेहतर के लिए कार्य करते रहते हैं, परंतु जब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स तन मन धन से अच्छा कार्य करते हैं तब भी कुछ लोग उनकी आलोचना करने में लगे रहते हैं। यह सब देख के हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है कि हम जैसे युवाओं को सामाजिक कार्य में आगे आना चाहिए कि नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। ये बताओ, जो काम करता आलोचना तो उसी की होगी, जो काम ही नहीं करता उसकी आलोचना कौन की होगी? जो परीक्षा देता है उसका वैल्यूएशन होता है, जो पेपर ही न दे उसका क्या वैल्यूएशन होगा? समझ गया? तो ये स्वाभाविक है, जो काम करता है उसकी आलोचना होगी, वो आलोचना निराधार भी हो सकती है और साधार भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे गलतियों की संभावना बनी रहती है, गलतियों की संभावना उसकी बनी रहती है। जब काम करेगा तो गलतियां होगी तो आलोचना भी सहना पड़ेगा, और अच्छाइयां होगी तो उसकी क्रेडिट भी। लेकिन एक बात और है, प्रायः जो अच्छा काम करते हैं उसके प्रशंसक लोग ज़्यादा होते हैं, आलोचक 2-4-10 होते हैं, लेकिन लोग हैं अपने प्रशंसकों से प्रभावित होने की जगह आलोचकों से प्रभावित क्यों हो जाते हैं? और जितने आलोचना करने वाले होते हैं उनमें आलोचक कम होते हैं, विरोधी ज़्यादा होते हैं। जो सही आलोचक होगा वो गलतियों पर टोकता है, और जो विरोधी होता है वह केवल टोकने के लिए टोकता है। उसका काम ही है, जैसे दो राजनीतिक दल सामने होते हैं तो उनका विरोध केवल विरोध के लिए विरोध की नीति पर होता है। कई बार ऐसा होता है, तो हर समाजों में ऐसा होता है, इसलिए इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। ये सहज प्रक्रिया है, हमारे यहाँ कहा गया है मुनियों के लिए, मार्गात च्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्या परिशहा, अपने मार्ग से च्युत ना हो और हमेशा निर्जरा करना हो तो परिचयों को सहो। मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, अपने समाज सेवा के कार्य में बने रहो, अपने मार्ग से च्युत ना हो तो इन सब बातों को परिचय मानो और सहज भाव से सहते रहो, इसी में आगे बढ़ो। तो करोगे तो होगा, लोग आलोचना करेंगे, हमें लोगों की आलोचना के लिए नहीं करना, आलोचना से नहीं डरना, ना हम लोगों की प्रशंसा के लिए काम कर रहे हैं, नहीं लोगों की आलोचना से हमें प्रभावित होना चाहिए, हम काम अपने आत्मा के हित के लिए और समाज के भले के लिए कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम हर काम को पूरी ईमानदारी से करें, अच्छे तरीके से करें, और पूरी ईमानदारी और अच्छे तरीके से काम करने के बाद भी यदि कोई आलोचना करता है तो सहे और उस आलोचना से घबराए नहीं, देखें वो आलोचना कर रहा है, अगर सही कर रहा है तो अपना सुधार करें, उसका स्वागत करें, और गलत कर रहा है तो जो मुझ में गलती है नहीं तो ठीक है, ठान ले ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, उससे सावधान रहूंगा। इसलिए आलोचना से कभी घबराना नहीं चाहिए, ना ही तुम जैसे युवाओं को हताश होना चाहिए, ये हर जगह की प्रक्रिया है। गाली चढ़ेगी, गाड़ी चलेगी तो धुआं तो उड़ेगा ना, बोलो। अब धुआं से डरना है तो गाड़ी के खड़ी रखो, खड़ी गाड़ी का कोई मोल है क्या? तो गाड़ी चलेगी, धुआं उड़ेगा, उड़ने दो उसको, को उसकी कोई परवाह मत कर। अरुण जी जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नितेश जी, आलोक जी, अंकुर कॉलोनी सागर। महाराज जी, धनेन्द्र परिवार कटनी वालों की ओर से, पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में सशस्त्र त्रिवार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यह प्रश्न है कि मुनि श्री भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर स्वामी तक की जो उनकी काया कितने धनुष रही, उस माप को यानी धनुष की लंबाई को हम क्या माने, और धनुष का माप भी बदल, इसमें कुछ धनुष का माप भी बदलता है क्या इस समय में? नहीं, आदिनाथ के भगवान के समय में मनुष्य के शरीर की लंबाई 500 धनुष की थी, और महावीर भगवान के समय तक 7 हाथ हो गई। 500 धनुष की जो अवगाहना है उसमें एक धनुष का मान 4 हाथ है, एक धनुष बराबर 4 हाथ, समझ गए? और एक हाथ 24 अंगुल का होता है, एक अंगुल 8 जौ का, यानी लगभग 1.25 इंच का,
तो हमारा एक हाथ जो 1.5 फुट का है, इस हिसाब से एक धनुष यानी 6 फुट, और 6 फुट के हिसाब से लगाए तो 500 धनुष यानी लगभग 3000 फुट भगवान ऋषभ देव की हाइट थी। यह बहुत पुराने जमाने की बात है, समझ गए? हाँ, आज नहीं है, असंख्य वर्षों पूर्व, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले की बात है, जो धीरे धीरे घटी। भगवान महावीर के टाइम में 7 हाथ यानी 10.5 फुट, तो आज से 2500 साल पहले ऐसे लोग रहते होंगे। आज से कुछ दिन पहले तक लोग 6 फीट 7 फीट तक के लोग रहते थे, अब धीरे धीरे हाइट घट रही है और ये घटते जाएगी, आखिरी में 1 हाथ के बचेंगे। चलिए महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज पनांगर की ओर से, असर क्षेत्र पनांगर की ओर से आपके चरणों में त्रिवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान नितेश जी, आलोक जी, अंकुर जी जैन, अंकुर कॉलोनी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेन्द्र जी जैन, डॉक्टर जिनेन्द्र जी जैन, नेहा नगर सागर। मुनिदय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, बीतराग प्रतिमाएं साक्षात सम्यक दर्शन का कारण है। प्रतिमाओं के संबंध में मेरे 4 सवाल हैं आपके पास में। पहले, हमारी जितनी भी प्रमुख प्रतिमाएं हैं वो सारी पाषाण की हैं, और उसमें परी प्रमुख जो धातु की प्रतिमाएं जो पहले भी बनती होंगी सोने चांदी की, वो अब बड़ी प्रतिमाएं उपलब्ध नहीं है। और महाराज जी, अभी जो चलन पड़ा है कि सोने चांदी की प्रतिमाएं मंदिरों में विराजमान की जाने लगी हैं, और महाराज जी, जब चाहे पेपर में आता है कि यहाँ के ताले तोड़ के तो सोने चांदी के सिंहासन और प्रतिमाएं चोरी हो जाती हैं महाराज जी, तो भविष्य में इसके लिए क्या बनाना उचित है, और उनकी मेंटेनेंस की व्यवस्था कैसी रहना चाहिए महाराज जी? और दूसरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि आजकल सहजकूट सत्यालय जो पीतल की प्रतिमाओं के बनने जा रहे हैं, मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा, मैंने खुद भागवेदा में एक सहजकूट प्रतिमा विराजमान की है महाराज जी, तो हमने ये देखा है कि कुछ स्थानों पर जहाँ पर बहुत ज्यादा पीतल की प्रतिमा है वो काली पड़ रही है, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है महाराज जी, ऐसे भविष्य में उन प्रतिमाओं का मेंटेनेंस कैसे होगा और उनकी सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि पहले भी अपने पास पुराने में तीसरा पूछो, हाँ, जो आत्ताइयों ने हमारी प्रतिमाओं को खंडित किया और लूट लिया है, तो भविष्य में जो हमारी इतने कीमती प्रतिमाएं रहेंगी उनकी हम व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, मेंटेनेंस कैसा होगा, उनकी सुरक्षा कैसे रहेंगी, क्योंकि 100-200 साल बाद तो आत्ताइयों का चौथा बस मेरा जी हो गए। देखिए, हमारी जो प्रतिमाएं हैं वो पूज्य है, आराध्य है, वीतराग है, और वो हमारे भावों की विशुद्धि में एक निमित्त है। पाषाण की प्रतिमाओं की बहलता से स्थापना हुई है, होती रही है, और वो आज भी हम सब का पथ प्रशस्त कर रही है। लेकिन जब हम शास्त्रीय प्रमाणों को देखते हैं तो जितने भी अकृत्रिम जिनाले हैं वहाँ स्वर्णमय जिनबिंब ही हैं, समझ गए? स्वर्णमय रत्नमय जिनबिंब। अतीत के काल में भी लोगों ने धातु की प्रतिमाएं स्थापित की होगी, इसमें संशय नहीं है। 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी की तो कुछ प्रतिमाएं मिलती है, लेकिन हो सकता है लोगों ने, आतताइयों ने उन प्रतिमाओं को गला दिया हो, इसलिए आज उनका अवशेष न मिलता, ऐसा हो सकता है। कम उस समय धातु की प्रतिमाओं की कास्टिंग की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं होगी, आज उनकी कास्टिंग के बड़े बड़े साधन हैं, बड़े बड़े उपकरण हैं, बड़ी सी बड़ी प्रतिमा ढाल दी जाती है। उस समय छोटी छोटी प्रतिमाएं ढालते थे, क्योंकि आज जैसा यांत्रिक विकास उस युग में नहीं हुआ था, ये भी एक कारण होगा। तो प्रतिमाओं को विराजमान करने की परंपरा प्राचीन काल से रही है, और धातु की तो जाने दीजिए, रत्नों की प्रतिमाएं भी लोगों ने विराजमान की है, और मूल बद्री में आप जाकर देख लीजिए, वो रत्नमय जिन बिंबों के दर्शन करके आप अपने आप को धन्य कर सकेंगे। देश के अन्य भी अनेक स्थानों में ऐसी रत्नमयी प्रतिमाएँ हैं, समझ गए? जयपुर के आसपास के कुछ स्थानों में भी तहखाने बने हुए हैं, वहाँ रत्नमय प्राचीन प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमाएं आमेर में भी जो है वहाँ प्राचीन प्रतिमाएं हैं, रत्नमय प्रतिमाएं, और कई जगह है। तो रत्नों की
और धातु की प्रतिमाओं को विराजमान करने की परंपरा प्राचीन रही है। हाँ, पहले बड़ी बड़ी प्रतिमाएं नहीं रहती थी, साधन कम होंगे और जो छोटी मोटी प्रतिमाएं लोगों ने बनवाई, हो सकता है आतताइयों के लिए उन्हें ध्वस्त करना, नष्ट करना थोड़ा सहज लगा हो, इसलिए नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। कई जगह से हमें भूमि के अंदर से वो जो धातु की प्रतिमाएं निकली है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये सब आतताइयों से बचाने के लिए किया गया। हिसार के पास पुण्योदय क्षेत्र बना है, वहाँ जो मूर्तियाँ निकली वो भूमि के अंदर से निकली। एक मटके के अंदर से 64 प्रतिमाएं, सब धातु की प्रतिमा थी और संभवतः वह 11वीं शताब्दी के आसपास की प्रतिमाएं थी। तो प्रतिमाओं को, धातु की प्रतिमाओं को प्राचीन काल में भी स्थापित किया जाता रहा है, पर हाँ, अपेक्षाकृत कम, क्योंकि पाषाण की प्रतिमाओं को स्थापित करना सुगम था और वह सहज उपलब्ध भी। अब दूसरी बात आपने पूछी है कि हम जब इनको विराजमान करते हैं तो इनका रख रखाव कैसे हो। सहस्कूट जैसे जिनालियों में भगवान विराजमान होंगे तो उनका रख रखाव कैसे होगा? अरे भाई, हम विराजमान कर रहे हैं तो रख रखाव भी हमें करना है, उसके लिए संकल्पित होना है। और मेरा तो एक नियम है, हम पंचकल्याणक में भगवान बाद में बनाते, पुजारी पहले। कहीं भी हम प्रतिष्ठा करते हैं तो ज्ञान कल्याणक के दिन सूर्य मंत्र देने से पहले लोगों को बुला लेते, भैया भगवान तो पधरा रहे हो, पूजेगा कौन, समझ गए? तो पहले पुजारी बनो, भगत बनो, फिर भगवान को बनाएंगे। तो ये समाज की जिम्मेदारी है, उनके मेंटेनेंस, रख रखाव को हम करें। अब आपका ये सवाल हो सकता है, आज हम कर लेंगे 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 50 बरस, 100 बरस, उसके आगे? अरे तो उसके आगे आगे वाली पीढ़ी सोचेगी, हम क्यों सोचे? हम तो ये बात जानते हैं कि हमारे बाप दादा हमें कोई धरोहर सौंप के जाते हैं तो कह के जाते हैं, बेटा ये हमारी धरोहर, इसे संभालना। आज तक हम लोगों ने यही किया है कि बाप दादाओं की धरोहर को हमने संभाला है तो हमें भरोसा है हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे संभालेगी, संशय की क्या बात है? इस बात पर सवाल उठाना, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति विश्वास खोना है, उन पर अविश्वास रखना है। इसलिए मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि इस बात को लेकर के हम चिंतित हों। आपका तीसरा जो सवाल है कि आतताइयों, आक्रमणकारियों से इसे कैसे बचाया जाए भविष्य में, तो भैया भविष्य को किसने देखा? अगर हमारे पुरखे ये सोचते हैं कि आज हम भगवान विराजमान कर रहे हैं, कल कोई आके तोड़ देगा, तो आज जितने भगवान हमें मिल रहे हैं, क्या मिलते हैं? क्या बोलो, कितनी मूर्तियां नष्ट हुई, हजारों लाखों। एक इतिहास की बात आप सबसे बताता हूं, जिस काल में औरंगजेब जैसे आतताइयों का आतंक चल रहा था, मूर्ति भंजकों ने कोहराम मचा रखा था, उसी काल में जैन जगत में एक ऐसा श्रेष्ठ उदार व्यक्ति हुआ, एक ऐसा उदार श्रेष्ठ प्रकट हुआ जिसका नाम था जीवराज पापड़ीवाल। उसने 1,00,000 जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करके पूरे देश में विराजमान किया। तुम तोड़ो, कितना तोड़ोगे? तुम मूर्ति तोड़ सकते हो, हमारी श्रद्धा नहीं तोड़ सकते। उसका ये सुपरिणाम है कि आज लगभग संपूर्ण भारतवर्ष के हर पुराने जिनालय में जीवराज पापड़ीवाल के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं मिल जाएगी, सम्मेत शिखर में भी है उसके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा। और ऐसा कहा जाता है कि जल मंदिर में भी दिगंबर प्रतिमाएं थी, और अभी श्वेतांबर कोठी से कुछ प्रतिमाएं आज से लगभग 2003 के आसपास 19 प्रतिमाएं निकली, उन सब में जीवराज पापड़ीवाल के नाम की प्रशस्ति थी जमीन के अंदर से। तो इस बात को लेकर चिंतित नहीं होना, कल कौन करेगा? अरे हम ऐसा पेड़ लगा के जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां उसका फल भी खाएगी और संरक्षण भी करेगी। और कदाचित पेड़ नष्ट हो जाए, चिंता मत करना, बीज सुरक्षित है, और जब तक बीज सुरक्षित है वृक्ष भी सुरक्षित होगा। तो हमें बीज को सुरक्षित रखना है। अतः इन सब बातों पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, ये सब अच्छा है, हो रहा है, होने दीजिए,
ये हमारी संस्कृति के गौरव गाथा गाएंगे, ये हमारे संस्कृति के हमारे दस्तावेज बनेंगे, इनके बल पर हम सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। नमस्ते महाराज जी, क्या महाराज जी व्हाट्सएप में ऐसे आता रहता है कि ये हावी हो जाएंगे, ये हावी हो जाएंगे, तो अंदर अंदर थोड़ा डर सा लगता है। थोड़ी नकारात्मकता है, गुरु पर विश्वास करो, गुरुदेव ने जो पेड़ लगाया हो अनंत काल तक फल देगा, ऐसा भरोसा रखो। डॉक्टर श्री जी ने कॉलोनी वालों की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ चलो, हाँ ओम बोलो। अगला जिनेन्द्र जी, डॉक्टर जिनेन्द्र जी बोलिए। गुणायतन प्रणेत मुनि श्री प्रमाण सागर जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, जिस तरह पहले परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते थे, परंतु इस व्यस्ततम जीवन में ऐसा देखने में नहीं आता। इस संस्कृति की ओर हम किस तरह पुनः अग्रसर हो, कृपया मार्गदर्शन। एक बार फिर से बोलिए। मुनि श्री, जिस तरह पहले परिवार के सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर भोजन करते थे, परंतु इस व्यस्ततम जीवन में यह देखने में नहीं आता। इस संस्कृति की ओर हम किस तरह पुनः अग्रसर हो, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, इसका बहुत कम संभावना दिखती है कि परिवार के लोग एकत्रित होकर के एक साथ भोजन करें, क्योंकि अब सब कारोबार और व्यवस्थाएं अलग हो गई। लेकिन इसका एक अच्छा रूप, समय समय पर कोई निमित्त बनाकर परिवार के लोग इकट्ठे होना शुरू कर दें, बहुत अच्छा काम होगा। आज एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है प्रेमी परिवार ने, अभी उनकी एक बड़ी घोषणा भी होगी। प्रेमी परिवार कटनी में है, सतना में है, कटनी में है, बिलासपुर में है, रायपुर में है, और भी कहाँ, हाँ भोपाल में है, 5-6 जगह फैला हुआ है। लेकिन आज उनके घर में उनके पौत्र हितंकर का पहली वर्षगांठ है। कहाँ हितंकर ले आ, राजा साहब ले आ, ले आ। उसकी पहली वर्षगांठ है, और उस वर्षगांठ को मनाने के लिए और उसका जड़ूड़ा उतारने के लिए पूरा परिवार गुरु चरणों में आया है, घर में ताला बंद करके। और ऐसा ये लोग एक बार नहीं करते, प्रायः साल में 3 बार, समझ गए। और ये भाई नहीं, बेटियां भी सब यहाँ आज उपस्थित है, बस एक भाई जो अभी दुबई में है वो ये नहीं आ पाया। तो ये एक उदाहरण है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने परिवार का प्रेम बनाए रखना चाहते हो तो ऐसे अवसर बना बना कर आप लोगों को इस तरह का कार्य करते रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे से मिल सके, संवाद हो सके और काम हो सके। और ये लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, पर फिर भी सब इकट्ठे हैं, सबका व्यवसाय एक है, दान धर्म सब एक साथ करते हैं। ये उदाहरण है, ये किया जा सकता है, ऐसा अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर कर सकेंगे। चलिए, पूज्य मनीषी ने अभी अभी प्रेमी परिवार का नाम लिया, मैं उस पूरे परिवार को बड़े बहुमान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और प्रश्न के साथ हम उनके बहुमान की इस यात्रा को पूरा करेंगे। श्रीमती राजकुमारी जी सतना, प्रेमचंद जी प्रेमी श्रीमती माया जी कटनी भोपाल, इंजीनियर रमेश जी अल्पना जी सतना, दिनेश संध्या जी बिलासपुर, महेंद्र दीप्ति जी सतना, संजय दीप्ति जी रायपुर, अरहंत पायल बेटी दामाद कटनी, मुकेश जी अर्चना अर्चित कौशल शिवनी, धर्मेंद्र वंदना दीपक आरशी पेंड्रा, अजय रंजना आदि शुभी जबलपुर, अक्षय श्रीनी श्रेया अक्षत अंशिका अरहन अनुज्ञा एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी बिलासपुर रायपुर भोपाल में, अनिल जी सरिता जी अमर पाटन, और मैं पूरे परिवार को रमा जी मौसी जी सतना, मैं पूरे परिवार को बहुत बहुमान के साथ यहां आवाज लगा रहा हूं। मित्रों, पूरे परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि आगे आए, और निश्चित ये परिवार हमारे लिए एक आदर्श परिवार बना है, और उस आदर्श परिवार के हम यहां पर मान वंदना करना चाहते हैं निश्चित, क्योंकि ऐसे परिवार हमारी समाज के लिए एक आदर्श घटक के रूप में हमारे सामने है। मैं आवाज लगा रहा हूं सम्मान करने के लिए।
देखिए ये छोटा सा बालक, देखिए थोड़ा सा फैल जाओ। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि इस पूरे परिवार को क्यों बुलाया गया, परिवार क्यों आया ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन परिवार यहाँ एक और भाव लेकर आया था। भाव तो इनके दो तीन बरस से थे, पर आज इन्होंने सोचा कि हमारे घर में पौत्र हितंकर की पहली वर्षगांठ है, तो हम चाहते हैं कि गुणायतन से हमारी पीढ़ियां आगे के लिए जुड़ी रहे, और इसी मनोभाव से आज इस परिवार ने शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का संकल्प लिया है। ये पूरा परिवार है, एक बार इनके इस पुण्य की सभी को अनुमोदना करना चाहिए। ये बहुत अच्छे भाव से है, सम्मान बहुमान करने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ। श्रीमान सुभाष भाई साहब, सुनील भाई साहब, आशीष जी, शैलेंद्र भाई जी, दुबई, मैं आवाज लगा रहा हूँ सभी को, और महिलाओं में सम्मान करने के लिए श्रीमान सुशील जी छाबड़ा को भी आवाज लगा रहा हूँ कि वो भी आ जाए, लता दीदी जी, शकुन दीदी जी भी आ जाए, और आज के इस कमल जी पाटोदी साहब भी आ जाए, और आज के इस बहुमान की यात्रा को पूरा करते हुए मैं आपसे भी एक निवेदन करता हूँ कि एक बार करतल ध्वनि के साथ निश्चित मित्रों, ये गुणायतन, और हम आपसे भी एक निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह ये परिवार पूरा गुणायतन से पीढ़ियों तक जुड़ने के लिए आज शिरोमणि संरक्षक बनने के गौरव को प्राप्त किया है, आपसे भी निवेदन करते हैं कि निश्चित ऐसे ही आपको भी गुणायतन के एक घटक के रूप में तैयार होना है, और मात्र गुणायतन के घटक के रूप में तैयार नहीं होना है, गुणायतन के निर्माण में अपनी चंचला का उपयोग करते हुए आपको इस दिव्य यात्रा का साक्षी बनना है, क्योंकि गुणायतन एक दिन की यात्रा नहीं है, अतीत से लेकर अनागत तक की संपूर्ण यात्रा इस गुणायतन के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। गुणायतन एक ऐसी गुणात्मक यात्रा जो हमारे जीवन को आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ बदल सकती है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी एक ऐसा सकारात्मक नजरिया देने वाले प्रामाणिक संत जो टूटती बिखरती जिंदगी को, टूटते बिखरते समाज को और आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से सुरक्षित किया जाए। जब तक ये परिवार का हम मान बहुमान कर रहे हैं, तब तक अरहन भाई बिट्टू हमारे बीच में आ रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आज देखिए अरहंत सवाल कर रहे हैं, और इन्हीं के सुपुत्र हितंकर का आज जन्मदिन है, और निश्चित वो हितंकर का जन्मदिन इन सबके हित के संपादन का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। हम सब हितंकर के जन्मदिन पर जोरदार तालियों के साथ इस परिवार के हित के संपादन की बात को सुनते हुए भाई अरहंत के सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराष्ट्री। कल आपने अपने प्रवचन में चार बातों के माध्यम से वर्ष वर्धन से पुण्य वर्धन तक का सफर के बारे में चर्चा की थी। मैंने आज अपने पुत्र के प्रथम वर्ष वर्धन होने पर पर्वतराज की वंदना करके पुण्य वर्जन तो कर लिया है, आगे आने वाले वर्षों में पुण्य वर्जन कैसे करें? बहुत सुंदर। देखिए सबसे पहले तो एक बार इस पूरे के पूरे परिवार को बधाई दे, और इस बेटे के जन्मदिन का आप सब लोग अपनी ओर से शुभकामनाएं दें। और मैं समझता हूँ जन्मदिन आप लोग तो खूब मनाते हैं, सबकी मनाते हैं, पर ऐसे बेटे का जन्मदिन शायद ही मना होगा जो इस प्रकार से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में इस रूप से हो, ये एक प्रेरणा ली जा सकती है। आपने पूछा है कि हम किस तरीके से या आगे पुण्य वर्धन करते रहें, क्या करें, तो मैं ये कहूँगा
अपने पुण्य की वृद्धि करते रहने के लिए, अपना पुण्य वर्धन बनाए रखने के लिए हमें इसी तरह के धर्म कार्यों के प्रति उत्साहित रहना चाहिए। मन में एक संकल्प रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में खूब व्यापार करें, धंधा करें और अन्य कार्य करें, लेकिन पुण्य वृद्धि के कार्यों में कहीं से हम पीछे न रहें। हमेशा समय समय पर जब भी मौका है हमारी प्राथमिकता में धार्मिक कार्य होना चाहिए, और जिनकी प्राथमिकताओं में धार्मिक क्रियाएं और धार्मिक कार्य होते हैं उनका जीवन निश्चित सुखी और संपन्न बना रहता है। हमें इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। पुण्य वृद्धि के चार निमित्त हैं, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, व्रतों का अनुसरण, उपवास और दान। ये चार ऐसी मौलिक क्रियाएं हैं जो सातिशय पुण्य के बंध में निमित्त बनती है। प्रत्येक सदगृहस्थ को इस प्रकार से पुण्य वृद्धि के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए। ओ नमोस्तु महाराष्ट्री विकर्ष भाई। विकर्ष जी हाँ। और कोई को प्रेमी पूछना है? प्रेमी पूछे, पूछो, तुम पूछना दो। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जीवन में हमेशा ऐसी सुनहरी यादें बनी रहें, जुबान पे हमेशा मिठास बनी रहे और जीने का अंदाज ऐसा हो जाए ताकि हमारा कि ना कभी उदास रहें ना किसी को उदास करें। बहुत सुंदर। जवान पर हमेशा मिठास बनी रहे और जीने का अंदाज ऐसा हो ना कभी उदास रहें ना किसी को उदास करें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप अपनी मीठी यादें बनाए रखना चाहते हैं तो जवान पर मिठास रखने का संकल्प रख ले। और जो व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है, जिसके अंदर की संवेदनाएं जाग जाती हैं, जिसकी सांस्कृतिक निष्ठा हमेशा जीवंत बनी रहती है, वो जीवन में कभी व्यथित नहीं होता, कभी भटकता नहीं। हम धर्म पथ पर जुड़ करके अपने जीवन को इसी अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आपने कहा है कि न उदास रहें न किसी को उदास करें, तो बस अपने जीवन के प्रति उत्साहित रहें और वैराग्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चलें तो हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरे प्रेमी परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि इसी तरह एकजुट बने रहे और इस आदर्श को आगे बढ़ाएं। आज यहां तीन पीढ़ियां हैं, ये पीढ़ियां ऐसे ही चलते रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु। गुड नाइट ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी जैन अमर पाटन। आइए बंद एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज देखा कि पूरा प्रेमी परिवार श्रोमणि संरक्षक के तौर पर गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट द्रव्य लगाया है और निश्चित ही ये शुरुआत है, संपूर्ण परिवार समर्पित है गुणायतन के लिए, हर रूप से पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित अनन्य भक्त है पूरा गुणायतन परिवार। आप सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। बंधु और प्रतिदिन की भांति आज भी लोग गुणायतन से जुड़े हैं और अपने जीवन को धन्य किया है। मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन लोगों ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन किया है। ऐसे श्रावक सृष्टि जिन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है, श्री पुणे से 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है, श्री प्रशांत कुमार जैन, चिंतामणि सेठलाल जैन सपरिवार, ललितपुर से श्री सौरभ जैन, श्रीमती नीति जैन सपरिवार, रायपुर से सुरेश चंद जैन, चंदा देवी जैन सपरिवार, बैंगलोर से मालनी नागराज जी, रेवाड़ी से श्रीमती अंजना जैन धर्मपत्नी राजेश जैन, इंदौर से श्री वैभव प्रेक्षा पाटनी, श्री अशोक नवोदिता विदुषी पाटनी और एलोरा ठाणे से श्री जसवंत कुमार राटा, श्रीमती ललिता जी, इन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही निर्माण मित्र में जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की, फुलवारी से श्री भागचंद शांतिलाल सुनील कुमार जी बगड़ा सपरिवार, औरंगाबाद महाराष्ट्र से उज्ज्वला दिलीप काले सपरिवार और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़े हैं और साथ ही प्रत्यक्ष रूप से आज उपस्थित हैं, श्री इंद्रसेन जैन, सुभाष जैन, डॉक्टर संदीप, दीपक, अभिषेक जैन महगांव वाले ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए मैं निवेदन करूंगा वो आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रेमचंद जी प्रेमी श्रोमणि संरक्षक गुणायतन और श्री आशीष जी देहरादून परियोजना निर्देशक गुणायतन।
बाएं और सम्मान प्राप्त करें और सूत्रधार के रूप में ही जुड़े हैं श्री महावीर जी, राजीव, नीरू, संजीव, परवीन जी, प्रीति जी, भोपाल, दिल्ली से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। वो भी आए और उनके सम्मान के लिए किनको बुलाने, शैलेन जी दुबई और साथ ही सुनील जी देहरादून। कौन? हाँ आइए, सम्मान और जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए साथ ही बंधुओं जिन्होंने आज 11,000 रुपए की राशि अपना सहयोग प्रदान किया है निर्माण दान के लिए। मुंबई से श्री सालोनी निरंजन मेहता इन्होंने और साथ ही 11,000 रुपए की राशि निर्माण दान में श्री विनोद जी, श्रीमती सरला देवी, अमित सुधा जी गंगवाल नागौर हावड़ा से जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। कपूर चंद जी जैन पाटनी गुवाहाटी से जो जैन गजट के संपादक हैं हमारे बीच उपस्थित, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे बीच हैं। निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन और इंजीनियर रमेश जी जैन प्रेमी परिवार से हमारे बीच में है। हमारे बीच में साथ ही सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, अजित कुमार जी एवं जिनेंद्र कुमार जी जैन हटा वाले सपरिवार खरगोन से उपस्थित हैं जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पुण्यार्जन प्राप्त किया। यहाँ पर अभी सिद्ध चक्र मंडल जो संपन्न हुआ ऐसे पुण्यार्जक परिवार का सम्मान करने के बारे में चाहूंगा। आए सपरिवार सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, अजित कुमार जी, जिनेंद्र कुमार जी जैन हटा वाले परिवार खरगोन से और साथ में हमारे बीच में ब्रह्मचारी राकेश भैया जी वो भी आएंगे गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें जिनके निर्देशन में ये कार्य संपन्न हुआ। देखिये मैं कहना चाहूंगा अभी कपूर चंद जी साहब का यहाँ पर सत्कार हुआ। कपूर चंद जी जैन जगत के एक वयोवृद्ध विद्वान हैं और इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित मूक माटी का आसामी भाषा में अनुवाद किया है और वो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। मूक माटी देश की बहुत प्रकार की भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, उसमें ये भी एक है। ये बहुत ही श्रम साध्य कार्य इन्होंने किया है। थोड़ी देर बाद इनके विचार को सुनेंगे। ओ बैठिए। हाँ इसके बाद और साथी बंधु किरण सिंह जी इन्होंने भी एक अंगूठी स्वर्ण दान दी है समर्पित किए गुणायतन के लिए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और बंधु ये बड़ी प्रतिमा शास्त्रकूट में बड़ी प्रतिमा और एक और ऐसे श्रावक श्रेष्ठ हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने सहस्त्रकूट में बड़ी प्रतिमा स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे श्रावक श्रेष्ठ का बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा स्वर्गीय चुन्नीलाल जी मातुश्री स्वर्गीय चंदा देवी छावड़ा की पुण्य स्मृति में पुत्र प्रदीप पप्पू जैन, पुत्र पुत्र वधु श्रीमती मीरा देवी छावड़ा, पौत्र पीयूष, पौत्र वधु प्रियंका छावड़ा, पौत्र राहुल, पौत्र वधु आर्ची छावड़ा, पौत्री लब्धि दामान गौरव पहाड़िया सूरत, पड़पौत्र युगांत आर्जा, पड़पौत्री निरीहा छावड़ा एवं समस्त छावड़ा परिवार झुमरी तलैया से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में खरगोन से जिन श्रावक शिष्यों ने अभी हाल में जो सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ है उनके पुण्यार्जन रहे हैं सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, अजित जी, जिनेंद्र कुमार जी हड्डा वाले सब परिवार खरगोन निवासी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आ जाइए, मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने कपूर चंद और हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी भैया डी राकेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा आइए, हमारा पूरा गुणायतन परिवार आपका हृदय से स्वागत करता है और आसामी भाषा में जो अभी गुरुदेव को प्राप्त हुई मूक माटी वो राकेश भैया जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हाँ साहब आइए, इनका सम्मान पूरा गुणायतन हमारे सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सुनील जी सीएफओ गुणायतन वो श्रीफल दे करके सम्मान करें। आइए अब मैं अगले प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा श्री कपूर चंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं जैन गजट के संपादक कपूर चंद जी।
नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, दोनों महाराज के श्री चरणों में बारंबार पाटनी परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से बार बार नमस्तो नमस्तो नमस्तो। महाराज श्री, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज बहुत दिनों के बाद में आपका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहले हम कई बार प्रत्येक वर्ष ही आपका दर्शन करते थे, आपको निमंत्रण देने के लिए भी, गुवाहाटी आने के लिए भी आपको कई बार हम लोग आए थे यहाँ पर आने के लिए, किंतु हमारा दुर्भाग्य था कि आप गुवाहाटी नहीं आ सके। और हम आपका प्रवचन शंका समाधान प्रतिदिन नियमित रूप से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपके जिह्वा में साक्षात सरस्वती विराजमान है, साक्षात सरस्वती विराजमान है ऐसा लगता है। आप प्रश्न पूछने के पहले ही आप उत्तर दे देते हैं, और कहाँ कहाँ से कौन से ग्रंथ में कौन आचार्य ने कौन सा श्लोक लिखा है उसका भी आप बार बार कोट कर देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है। मैं कुछ दिन पहले, मैं करीब 25-30 वर्षों से महाराज श्री, मैं गुवाहाटी के बड़े मंदिर में स्वाध्याय कराता हूँ, करीब 25-30 लोग मेरे स्वाध्याय में बैठते हैं। तो एक दिन हम स्वरूप संबोधन का स्वाध्याय कर रहे थे, जो भट्ट अकलंक देव ने लिखी है स्वरूप संबोधन, उसका एक 22 नंबर का श्लोक है जिसमें लिखा है कि जस्य मोक्षे अपि न आकांक्षा, जस्य मोक्षे न अपि आकांक्षा सैव मोक्षम अधिगच्छति इति उक्त्वा हितान अन्वेषी लोके मोक्षे अपि न आकांक्षयेत। जिसकी मोक्ष के प्रति भी आकांक्षा नहीं है वही मोक्ष में जाता है, जिसकी मोक्ष के प्रति भी आकांक्षा नहीं है वही मोक्ष में जाता है। इसलिए अपना हित चाहने वाले लोगों को कभी भी मोक्ष के प्रति आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। महाराज श्री, मेरी प्रश्न नहीं, ये शंका है कि जब जब भी कोई मुनि बनता है तब वह इसी आशय से बनता है ना कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाना है इसलिए वह मुनि बनता है। तो जो मोक्ष जाना नहीं चाहता उसे ही मोक्ष मिलता है, और जो हम लोगों को कभी किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, यह शंका का समाधान मेरे की। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप एक विज्ञ स्वाध्यायी सुसश्रुत विद्वान हैं। आपने जो सवाल किया है कि मोक्ष की इच्छा रखते हो तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष जाना है तो मोक्ष की इच्छा नहीं रखो, मैं आपकी बात को